जी हाँ, सही पढ़ा आपने, असली डायनासोर का फोटो। इस फोटो को खींचने वाले का दावा है कि ये एक असल डायनासोर का फोटो है। साथ ही पेरू में कुछ हजार साल पुराने गोल गोल पत्थर मिले हैं जिन पर डायनासोर का चित्र है। लेकिन चौंकाने वाला बात यह है कि हजार साल पहले के लोगों ने डायनासोर का चित्र कैसे बना लिया, क्योंकि डायनासोर के बारे में सिर्फ आज के लोग ही जानते हैं। इन पत्थरों को इका स्टोन्स कहा जाता है, जिनको नासा के वैज्ञानिक जोसेफ एफ ब्लूमरिस भी मानते हैं। तो आज डायनासोर का ये तस्वीर ये इका स्टोन्स के साथ और कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिससे लगता है कि डायनासोर कभी पुराने इंसानों के साथ भी रहते थे और आज भी जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। शुरू करते हैं इस संभावित डायनासोर के तस्वीर के साथ। इस फोटो को खींचने वाले का नाम है स्कॉटलैंड के रहने वाले जिमी राइट। उनके मुताबिक एक दिन जब वो स्कॉटलैंड के किलेरन के क्राउ हिल नाम के एक जगह पर अपने कुत्ते के साथ टहलने निकले थे, तब उन्होंने अचानक कुछ दूरी पर इस अजीब जानवर को देखा। देर ना करते हुए उन्होंने उस जानवर का एक तस्वीर खींच लिया और उसके बाद ही वो जानवर कहीं चला गया। घर आके उन्होंने उस तस्वीर को फेसबुक में शेयर किया, लेकिन जैसे मेरे वीडियोस के साथ होता है, वैसे ही काफी लोग उनके खींचे हुए तस्वीर से सहमत नहीं हुए कि वो एक डायनासोर ही था। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो एक कछुआ है, और कुछ लोगों ने कहा कि वो एक लकड़ी का खंभा है। लेकिन अगर ये तस्वीर असल में एक असली डायनासोर का है, तो ये साबित होता है कि आज भी इसी दुनिया पर डायनासोर के कुछ प्रजाति जिंदा है। मॉडर्न साइंस हमें कहते हैं कि आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स धरती से गायब हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट मानते हैं कि आज भी दुनिया के दूरदराज के हिस्सों में डायनासोर मौजूद है। हम आजकल सोचने लगे हैं कि हमारा ग्रह बहुत छोटा है। हाईटेक कम्युनिकेशन और इंटरनेट का हो जाने से ये मतलब नहीं बनता है कि हमारी दुनिया में बहुत कम रहस्य रह गए हैं। अभी भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं जहाँ पर खोज होना बाकी है। साउथ अफ्रीका के कोंगो एक ऐसी जगह है जहाँ 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल का इलाका दलदल से भरा जंगल है, जिन दलदल में से लिको वाला स्वाम्प दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, जो 55,000 स्क्वायर माइल बड़ा है। इसका अंदाजा लगाने के लिए दिल्ली का ही एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली 570 स्क्वायर माइल बड़ा है और कोंगो का वो दलदल 55,000 स्क्वायर माइल बड़ा है। जरा कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा है, जिसका 80% हिस्सा अज्ञात है। वहाँ क्या क्या है कोई नहीं जानता, सिर्फ उस जगह के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के अलावा। उन स्थानीय लोगों का कहना है कि कोंगो के दलदलिया जंगल में विशाल और डरावने जानवर रहते हैं, जिनका लंबी गर्दन और पूंछ है, जो पानी के अंदर से निकलते हैं और वापस भी चले जाते हैं, जिसे वो लोग मोकेले एम्बेम्बे कहते हैं। साथ ही उस जगह पर अलग अलग देशों से कई अभियान भी हुए, जिनके दौरान जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दिया और बड़े बड़े पंजों के निशान भी मिले। 1980 और 1981 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बायोलॉजिस्ट और खोजकर्ता रॉय पी मकल ने एक अभियान के दौरान उन लोगों को कई जानवरों की तस्वीरें दिखाई, जिनमें डायनासोर का भी तस्वीर था। तब उन लोगों ने डायनासोर के तस्वीर के तरफ इशारा किया और कहा कि उन्होंने इसी को देखा था। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो लोग आधुनिक नहीं है और हमारी तरह डायनासोर के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। वो लोग और एक जाति के शाकाहारी डायनासोर को जानते हैं, जिन्हें वो लोग एम्बियलू कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस विशाल प्राणी के पीठ और पूंछ पर बड़े बड़े कांटे हैं। इस विवरण से तो यही लगता है कि यह कोई बड़ा मगरमच्छ है, पर कोई भी मगरमच्छ शाकाहारी नहीं हो सकता। शायद ये शाकाहारी डायनासोर स्टेगोसोरस है। स्टेगोसोरस के पीठ और पूंछ पर ऐसे कांटे हुआ करता था। साथ ही उसी इलाके में एक नदी में 3 मरे हुए हाथी बहकर आया था, जिनके पेट पर बड़े बड़े छेद थे। एक बार कल्पना कीजिए कि इतने बड़े हाथी को भला कौन सा जानवर ऐसे मार सकता है। जी हाँ, एक ऐसा डायनासोर जिसके पूंछ में बड़े बड़े कांटे हो। कोंगो के जंगलों में अमेरिका के इंजीनियर हरमेन रेगरस्टर्स और उनकी पत्नी कियाभान दसेन
और बायोलॉजिस्ट मार्सेलिन अगग्ना ने भी अलग अलग अभियान चलाया था। वो तीनों दावा करते हैं कि उन्होंने भी अभियान के दौरान डायनासोर को आज के दुनिया में घूमते हुए देखा था, पर कैमरा की खराबी के कारण तस्वीरें नहीं ले पाए और इसीलिए दुनिया उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, और साथ ही कंगो में रहने वाले स्थानीय लोगों के बातों को भी। ठीक ऐसा ही और एक जानवर की बात आधुनिक समाज नहीं मान रहा था, जिसकी जानकारी इंडोनेशिया के स्थानीय लोगों को पहले से ही था, लेकिन बाद में इस जानवर का असल में होने की बात सभी को पता चला। पहला विश्व युद्ध के दौरान एक विमान इंडोनेशिया के समुद्र पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान के पायलट जब तैरते हुए पास के एक आइलैंड पर पहुंचा, तब वहां पर उन्होंने विशाल चिपकली जैसे प्राणी को देखा, जिन्हें आज हम कोमोडो ड्रैगन के नाम से जानते हैं। वहां से उनको उद्धार करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ विशाल जानवरों का विवरण दिया, तब उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन बाद में हुए अभियान में उनकी ये बात सच निकली। तभी से आधुनिक समाज कोमोडो ड्रैगन्स को मानते हैं, जिसकी जानकारी इंडोनेशिया के स्थानीय लोगों को पहले से ही था। तो ये संभव है कि कॉन्गो में आज भी जिंदा डायनासोर जंगलों में दलदलीय तालाबों में रहते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी जीवित हो। जी हाँ, ऐसे ही एक उड़ने वाले विशाल पंखों वाले जानवर की बात पापुआ न्यू गिनी के स्थानीय आदिवासी लोग 16 सेंचुरी से बोलते आ रहे हैं। उस जानवर का विवरण टेरोसोर से मिलता है, जिससे स्थानीय आदिवासी लोग बहुत डरते हैं। पापुआ न्यू गिनी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादा खोजबीन नहीं हुआ है, और जब जब खोज हुए हैं तब तब नए नए प्रजाति के जानवर पाए गए हैं। इसीलिए कुछ क्रैप्टोजोलॉजिस्ट मानते हैं कि वहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर हो सकते हैं। और सन 1944 में एक अमेरिकी फाइटर पायलट ड्वान हॉटगेकिंसन ने भी पापुआ न्यू गिनी के जंगल के ऊपर एक बड़ा चमगादड़ जैसा जानवर उड़ते हुए देखने की रिपोर्ट किया था। उनके मुताबिक वो एक पेरोडेक्टाइल ही था। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते वहाँ पर 12 से भी ज़्यादा बार उस जानवर को देखा गया। वहाँ के लोग बताते हैं कि सन 1986 में उस जानवर ने एक इंसान का शिकार भी किया था। उनके मुताबिक उस जानवर ने एक इंसान को उड़ाकर 40 फीट ऊपर ले गया, जहाँ से उसे ज़मीन में गिरा दिया, फिर से उसे ज़मीन से उठाकर एक पेड़ के ऊपर ले गया और सभी गांववासी के सामने ही उस इंसान को खाने लगा। कई बायोलॉजिस्ट के मुताबिक वो एक बड़ा प्रजाति का चमगादड़ हो सकता है, जिसका अभी तक खोज नहीं हुआ है। पर अफ्रीका के कॉन्गो की तरह जब यहाँ के आदिवासियों को चमगादड़ और उड़ने वाले डायनासोर के तस्वीर दिखाया गया, तो उन्होंने डायनासोर के तरफ ही इशारा किया, ना कि चमगादड़ की तरफ। लेकिन सिर्फ अफ्रीका और पापुआ न्यू गिनी में ही नहीं, साउथ अमेरिका में भी डायनासोर होने की बात वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। वो लोग दावा करते हैं कि वहाँ की झील में उन्होंने एक विशाल जानवर को देखा है। उनके दिए गए विवरण प्लेसियोसोर से मिलता जुलता है। कहा जाता है कि गुयाना मासिफ के पर्वतों में कुछ डायनासोर आज भी जीवित है। तो इन तमाम बातों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज से 65 मिलियन साल पहले की महाविनाश के बाद भी कुछ डायनासोर के प्रजाति बचे रह गए थे? और इसका जवाब है बिल्कुल। सिर्फ बचे ही नहीं रहे, बल्कि इंसानों के साथ इनका कई बार मुठभेड़ भी हुआ था हमारे अतीत में, हजारों साल पहले। उन पुराने इंसानों ने सिर्फ डायनासोर्स को देखा ही नहीं था, बल्कि वो लोग डायनासोर के साथ लड़ते भी थे। और इन बातों का सबूत मिलते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ हजारों साल पुराना गुफा चित्र, नक्काशी और मूर्तियों में, जिन पर उन्होंने डायनासोर का चित्र, नक्काशी और मूर्तियां भी बनाया है, जैसे कि इका स्टोन्स, जिन पर भी डायनासोर का तस्वीरें हैं। इन पत्थरों को नासा के साइंटिस्ट जोसेफ एफ ब्लुमरिस भी मानते हैं। जरा सोचिए कि बिना डायनासोर को देखे या बिना उनके बारे में जाने कैसे वो लोग ये सब बना पाते। आधुनिक इंसान तो सन 1842 के बाद ही डायनासोर से रूबरू हुआ है, तो इससे कई हजार साल पहले के लोग डायनासोर का नक्काशी या पेंटिंग कैसे बना लिया? क्योंकि उन्होंने खुद जिंदा डायनासोर को देखा था, और शायद उसे ही वो लोग ड्रैगन कहते थे। जैसे कि जापान, यूरोप और चाइना के किंवदंती में ड्रैगन्स का जिक्र मिलता है,
जो एक विशाल सरीसृप प्रजाति का ही जानवर था। तो यह संभव है कि एक जमाने में इंसान और डायनासोर एक ही साथ ही रहते थे और कुछ हुआ जिससे इंसान की कई सभ्यताएं अचानक गायब हो गया और साथ ही डायनासोर भी, जैसे कि इजिप्ट की सभ्यता जो 5000 साल पुराना सभ्यता है। और हाल ही में एक चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है कि कुछ डायनासोर के हड्डियां सिर्फ कुछ ही हजार साल पुराना है। ये नतीजा मिला था ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्टों को, जब वो लोग कुछ डायनासोर के हड्डियों का कार्बन डेटिंग टेस्ट कर रहे थे तब। साथ ही सन 2000 में जुडिथ रिवर डायनासोर इंस्टीट्यूट एक्सपेडिशन को एक ऐसा डायनासोर का फॉसिल मिला जिसे उन्होंने लियोनार्डो नाम दिया है। इस अजीब फॉसिल को डायनासोर का मामी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि मांसपेशी, स्किन, पंजे और पेट का कुछ हिस्सा भी बचा हुआ था। मतलब 90% सॉफ्ट टिश्यूज थे उस कंकाल में, जो कि नामुमकिन बात है। उसी साल एक टीरेक्स डायनासोर का भी कंकाल मिला था जिसे बीरेक्स नाम रखा गया है। इस कंकाल का एक खासियत यह है कि इस कंकाल के हड्डियों में सेल टिश्यूज मौजूद है, जो कि होना नहीं चाहिए था। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे टिश्यूज मैक्सिमम 1000 साल तक ही रह सकते हैं। इसके बाद 2007 में भी नॉर्थ डकोटा में डायनासोर का एक और फॉसिल मिला जिसमें सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि स्किन और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज भी थे। इस फॉसिल का नाम डकोटा दिया गया। अब ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज ब्लड वेसल्स के साथ जो डायनासोर के कंकाल मिल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये डायनासोर्स 65 मिलियन साल पहले नहीं बल्कि कुछ हजार साल पहले ही मरे थे, जिन्हें उस जमाने के इंसानों ने देखा था। और शायद आज भी कुछ प्रजाति के डायनासोर जिंदा हो जो दूरदराज के दुर्गम इलाकों में रह रहे हो। और ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मगरमच्छ भी डायनासोर के जमाने का एक जाति है जो विलुप्त नहीं हुआ। ऐसी और भी बहुत प्रजाति है जिन्हें लुप्त मान लिया गया था लेकिन उनको फिर से जिंदा देखा गया। तो ये मुमकिन है कि डायनासोर के कुछ जाति लुप्त नहीं हुआ हो, जैसे कोमोडो ड्रैगन के अस्तित्व को लोग नहीं मानते थे, इसी तरह आज भी डायनासोर होने की बात को आधुनिक समाज नहीं मान रहा है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। और अभी से ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करना ना भूले। तो मैं जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।